जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। पुलवामा में आतंकियों ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। सिक्योरिटी गार्ड का नाम संजय शर्मा बताया जा रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक संजय शर्मा पर आतंकियों ने उस समय हमला किया जब वो बाजार जा रहा था। मामले से संबंधित अधिकारी ने बताया कि बंदूकधारियों के हमले के बाद संजय शर्मा घायल हो गया था, जिसे तुरंत जिला अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जिला अस्पताल पुलवामा के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तुला ने पुष्टि की कि व्यक्ति को अस्पताल में मृत लाया गया था। मृतक की पहचान आचन के काशीनाथ पंडित के पुत्र संजय पंडित के रूप में हुई है। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस पूरी घटना पर कश्मीर के DIG रईस अहमद ने कहा, आज सुबह करीब 10:30 बजे आतंकवादी हमला सामने आया। अल्पसंख्यक संजय शर्मा अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। अभी तक हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम जल्द ही आतंकवादियों को पकड़ लेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले 24 फरवरी को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के हसनपोआ इलाके के रहने वाले आसिफ अली गनी पर गोलीबारी की, जिसमें वो घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि गनी के पिता की पिछले साल जनवरी में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि गनी के पिता जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर मुख्य आरक्षक तैनात थे।